रहुआ पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे क्या? सर अभी तक आप राजनीतिक में ये सुनते आ रहे होंगे कि राजनीतिक में लोग अपने बाप तक का नहीं होता है, अपने भाई तक का नहीं होता है, यानी अपनों अपने तक का नहीं होता है, ये राजनीतिक जो ऐसा इंडस्ट्री है। लेकिन पता है आज इंटरव्यू दिनेश लाल यादव ने रहुआ जी पवन सिंह के खिलाफ दे ही दिए, और ये बात जो माइंड सेट में रहता है ना, जो हर किसी के माइंड में रहता है ना, जितने भी नेता है वो किसी का नहीं हो सकता चुनावी करियर में। लेकिन सर वही पे बात पूछा जाता है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से, सुन ही लो। रहुआ पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुझे अपना देखना है, मैं पवन सिंह का विरोध क्यों करूंगा वहां जाके। सर यानी कि व्यक्तिगत तौर पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अभी भी पवन सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी दिल से। लेकिन सर वही पे पूछा जाता है कि आप अगर पार्टी बोलेगा तो क्या आप जाएंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी का आदेश हो जाएगा, तब तो कहीं भी जाना पड़ेगा। सर इनका कहना है जब पार्टी बोलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, और सर इनके जगह पे कोई भी रहता तो वो जाएगा ही, क्योंकि पार्टी से बंदा जुड़ा हुआ है और पार्टी का कार्य करता है, तो फर्ज बनता है कि सामने कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आप पार्टी में है तो आपको जाना उचित है। तो अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जाएंगे भी तो मजबूरी में जाएंगे, इनके बातों से लग रहा है। लेकिन सर पवन सिंह जी के लिए प्यार जताए हैं, सुनिए। इनका कहना है कि पवन सिंह जी हमारे हर चुनाव प्रचार में आते थे, मेरा हमेशा साथ दिए हैं, और मेरे हर जगह पे वो इंसान खड़ा रहा है। तो सर बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन दिनेश लाल यादव जी आज के इंटरव्यू में ये साफ साफ खुलासा कर दिया है कि भले पवन सिंह जी को बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं तो मेरा फुल सपोर्ट है, और ये कतई नहीं कराकाट पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है। खैर आप लोगों को क्या लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।